नमस्कार मित्रों, एडुसाइट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हिंदी अनुवाद पर एक श्रृंखला चलाई हुई है और आज उसी श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे कोश निर्माण के सिद्धांत और उसकी प्रक्रियाओं के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में प्रस्तुत मौजूद हैं डॉक्टर विनीता कुमारी। डॉक्टर विनीता कुमारी एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी डिपार्टमेंट में स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। आइए डॉक्टर कुमारी का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज वो इस विषय पर हमें क्या बताएंगी। हम स्वागत है। धन्यवाद। अनुवाद का जो नया पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ है, उस पाठ्यक्रम में अनुवाद में कोश की विशेष भूमिका रहती है। और अनुवादक कोई भी अनुवाद करने लगता है किसी भी भाषा में, तो अनुवादक को कोश का सबसे पहले सहारा लेना होता है और इसलिए कोश का महत्व, उसकी उपादेयता और अधिक बढ़ जाती है। तो आज हम सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि कोश निर्माण कैसे किया जाता है, कोश निर्माण के सिद्धांत क्या हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी प्रविधि क्या है, उसकी क्या तकनीक है। तो ये पूरा हमारा विषय दो व्याख्यान में चलेगा। पहला व्याख्यान कोश निर्माण के सिद्धांतों से संबंधित होगा कि कोश निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले कोशकार किस प्रकार सिद्धांत बनाता है और क्या सोचकर सिद्धांत बनाता है, उसके मस्तिष्क में क्या विचार, क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य रहता है जिसको सामने रखते हुए वो कोश निर्माण की प्रक्रिया की ओर बढ़ता है। कोश के विषय में संस्कृत में एक सूक्ति प्रसिद्ध है, अवैया कर्णः सो अंधः, बधिरः कोश वर्जितः, साहित्य रहिता पंगुर, मूकः तर्क विवर्जितः। अर्थात जिसने व्याकरण का अध्ययन नहीं किया, जो व्याकरण नहीं जानता, वे अंधा है। जिसने कोश का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वे बहरा है। साहित्य के ज्ञान से शून्य व्यक्ति पंगु है। और जिसने तर्कशास्त्र का अध्ययन नहीं किया, जिसने तर्कशास्त्र का अभ्यास नहीं किया, उसको संस्कृत में गूंगा तक कह दिया गया है। तो इसी से कोश शास्त्र की महत्व, उसकी उपादेयता का पता चलता है। अब कोश निर्माण का कार्य की जब हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि कोश निर्माण का कार्य सरल कार्य नहीं है, यह एक विशद और दुरूह कार्य है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो वर्षों तक चलती रहती है। कोश निर्माण का कार्य बौद्धिकता, ज्ञान और परिचय, इन तीनों की समन्वय स्थली है। इसकी परिधि में एक और अथक श्रम एवं ज्ञान के द्वारा सामाजिक व्यवस्था में स्थापित भाषिक रूपों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया शामिल है। तो दूसरी ओर शब्द विशेष की व्याख्या, उस शब्द विशेष की उत्पत्ति, उसका अर्थ, उसका प्रयोग, इन सब की जानकारी के द्वारा ज्ञान की अभिवृद्धि कोश निर्माण की प्रक्रिया के पीछे निहित रहती है। इस प्रकार कोश ज्ञान एवं व्यवस्था दोनों का नियंता है। कोश का प्रयोग हम करते किस लिए हैं, हम इसको सोचें तो कोश जो हम नहीं जानते उसकी जानकारी देता है, जो हमारा अर्ध ज्ञान है, आधी जानकारी है, उसको पूर्ण जानकारी देता है। और इस प्रकार कोश विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूप में लाभकारी, उपयोगी होता है। अब कोश निर्माण की जो प्रक्रिया है, वे एक योजनाबद्ध तरीका है। एक योजनाबद्ध ढंग से कोश निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। परंतु इस कोश निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पूर्व कोशकार कुछ अपने सिद्धांत बनाता है, कुछ नियम बनाता है। क्योंकि अगर सिद्धांत नहीं बनेंगे तो कोश निर्माण की प्रक्रिया व्यवस्थित नहीं हो पाएगी, उसमें क्रमबद्धता नहीं रहेगी। और हो सकता है कि बिना सिद्धांत बनाए जब वो कोश निर्माण की प्रक्रिया में अग्रसर होता है, तो उसके सामने ये समस्या आए कि वो उसको किस तरह से समेटे, किस तरह से उसको एक व्यवस्था में ले आए, एक रूपबद्ध करे। और हो सकता है कि वो एक व्यवस्थाबद्ध ना कर पाए और अंत में इतने वर्षों तक की जो लंबी प्रक्रिया उसने कोश निर्माण की वो उसकी व्यर्थ चली जाए। तो इसलिए कोशकार के सामने
सबसे पहले उनके निर्माण से पूर्व सिद्धांत बनाना आवश्यक होता है। तो इसलिए आज हम अभी चर्चा करेंगे कोश निर्माण के सिद्धांतों पर। तो सबसे पहला सिद्धांत कोश निर्माण का है कोश के प्रकार का निर्धारण करना। कोश के प्रकार, क्योंकि सभी कोशों के लिए एक ही सिद्धांत सामान्य रूप से नहीं हो सकते, कोश अलग अलग होते हैं, विभिन्न प्रकार के कोश होते हैं, तो प्रत्येक कोश के अनुसार उनके सिद्धांत बनाना कोशकार का कर्तव्य हो जाता है। अब कोश भाषा की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से, प्रयोजन आदि के रूप में अनेक प्रकार के हो सकते हैं। कोश के कई प्रकार हैं, जैसे भाषा की दृष्टि से एक भाषी कोश है, द्विभाषी कोश है, बहुभाषी कोश है। एक भाषी जिसमें एक ही भाषा का प्रयोग रहता है, जैसे हिंदी से हिंदी एक भाषी कोश कहलाएगा। द्विभाषी कोश हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से किसी अन्य भाषा का कोश, और बहुभाषी कोश जिसमें दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी अंग्रेजी गुजराती कोश बन जाना या हिंदी मराठी पंजाबी कोश बन जाना, तो ये बहुभाषी कोश कहलाते हैं। ऐसे ही जब कोश में शब्दों की प्रविष्टियाँ दी जाती हैं तो प्रविष्टि के आधार पर कोश तीन प्रकार के हैं, शब्दकोश, उद्धरण कोश, लोकोक्ति मुहावरा कोश। ऐसे ही काल की दृष्टि से जब कोश की बात करते हैं तो कोश दो प्रकार के होते हैं, एक कालिक कोश और दूसरा कालक्रमिक या ऐतिहासिक कोश, जिसमें इतिहास से संबंधित एक लंबे काल का प्रयोग किया जाता है, वो काल की दृष्टि से कोश कहलाते हैं। ऐसे ही कोश का एक प्रकार है अर्थ के आधार पर, कि शब्दों के अर्थ कितने रहेंगे, किस प्रकार के अर्थ रहेंगे, उनके आधार पर भी कोशों का वर्गीकरण किया जाता है। उसमें एकार्थी कोश जिसमें एक ही अर्थ देना निश्चित रहता है, अनेकार्थी कोश जिसमें शब्द के अनेकों अर्थ दिए जाते हैं, विलोमार्थी कोश जिनमें शब्दों के विलोम शब्द दिए जाते हैं, विपरीत पर्याय समानार्थी कोश जिनमें शब्दों के समानार्थक शब्द दिए जाते हैं। तो ये अर्थ के आधार पर शब्द कोश। इसी तरह से विषय के आधार पर, उसमें मुख्य केंद्र में विषय रहता है, जिसे एनसाइक्लोपीडिया अथवा विश्वकोश कहा जाता है। ऐसे ही विशिष्ट दृष्टिकोण को रखते हुए कोशकार के सामने एक विशेष दृष्टिकोण होता है, एक जिसके आधार पर वो कोश का निर्माण करता है, जैसे सामान्य कोश, समांतर कोश, पारिभाषिक कोश, साहित्य कोश, पुराण एवं मिथक कोश, भाषा विज्ञानी कोश, विश्वकोश आदि। ये कोश एक विशेष दृष्टिकोण को मस्तिष्क में रखते हुए कोशकार बनाता है। इसी तरह से उद्देश्य के आधार पर, उसके भी कोश के कई प्रकार होते हैं, जैसे शब्द कोश, पर्याय कोश, पुस्तक कोश, विलोम कोश, उपसर्ग कोश, व्युत्पत्ति कोश, प्रयोग कोश, उच्चारण कोश, प्रत्यय कोश, बोली कोश और तुलनात्मक कोश। ये सब उद्देश्य के आधार पर हैं। इसी तरह से आजकल एक नई टेक्निक आ जाने के कारण कोश हमें तीन प्रकार के और भी मिलते हैं, जिन्हें मुद्रित कोश जो हमें प्रकाशित अवस्था में मिलता है, और दूसरा कंप्यूटर कोश जो कंप्यूटर में उपलब्ध रहते हैं, और आजकल ऑनलाइन कोश भी हो गए हैं। इस तरह से कोश निर्माण से पहले, जब कोश निर्माण की प्रक्रिया करनी है, उससे पहले कोशकार के लिए ये निर्धारित करना आवश्यक है कि वो किस प्रकार के कोश का निर्माण करेगा, क्योंकि जैसा कोश निर्माण करना है उसका उद्देश्य अलग है। यदि कोई एकार्थी कोश बना रहा है तो उसकी प्रक्रिया भिन्न रहेगी, अनेकार्थी कोश होगा तो उसकी प्रक्रिया भिन्न रहेगी। ऐसे ही साहित्य कोश के लिए अलग व्यवस्था है और पारिभाषिक कोश के लिए एक अलग व्यवस्था है। तो पहले कोशकार ये निर्णय ले लेता है कि मुझे कैसा कोश बनाना है, किस प्रकार का कोश बनाना है। इसलिए पहले सिद्धांत के रूप में मित्रों हम देखते हैं कि कोश निर्माण प्रक्रिया के पहला सिद्धांत बनता है कि कोश किस प्रकार का बनाया जाए। इसी तरह से दूसरा जो चरण है, दूसरा सिद्धांत है, वे कहलाएगा अध्येता वर्ग का निर्धारण। अध्येता वर्ग कि किसके लिए कोश बनाया जा रहा है, कौन पाठक है,
कौन उसको पढ़ेगा, कौन उसकी उससे जानकारी प्राप्त करेगा। वे अध्येता वर्ग को ध्यान में रखते हुए कोश का सिद्धांत बनाए जाते हैं। इसी तरह से तीसरा है स्तर का निर्धारण। स्तर का निर्धारण से अभिप्राय है कि कोश कितना बड़ा बनाना है और किस स्तर का बनाना है। यदि पारिभाषिक कोश बनाया जा रहा है तो उसका स्तर भिन्न रहेगा, उसके सिद्धांत भिन्न रहेंगे। यदि समानार्थी या एकार्थी अथवा अनेकार्थी कोश बनाया जा रहा है तो उसका स्तर भिन्न रहेगा, उसके सिद्धांत भी भिन्न रहेंगे। जैसे पारिभाषिक कोश ज्ञान विज्ञान का कोश है और उससे संबंधित पूर्ण जानकारी देने के लिए पृथक सिद्धांत बनाए जाएंगे। यदि बच्चों के लिए कोश बनाना है तो उसे आकर्षक बनाना है, उसे प्रभावशाली बनाना है ताकि बच्चे उसका अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें, उन बच्चों की रुचि जागृत हो, तो उसमें चित्र आरेख आदि डायग्राम्स का उसका ध्यान रखा जाएगा। इसी तरह से प्रयुक्ति के आधार पर, भाषा के आधार पर भी ध्यान रखना होता है कि हम कैसा कोश बनाने जा रहे हैं, किस स्तर का बनाने जा रहे हैं। स्तर के साथ साथ ये देखना भी आवश्यक है कि वो कोश विद्यार्थी के लिए बन रहा है, सामान्य पाठक के लिए बनाया जा रहा है, या लेखक साहित्यकार के लिए बनाया जा रहा है, या अनुवादक की सहायता के लिए बनाया जा रहा है। तो कौन पाठक वर्ग है और किस स्तर का बनना है, ये सब ध्यान रखते हुए कोश निर्माण के सिद्धांत बनाए जाते हैं। तो इसलिए पहला सिद्धांत मित्रों हमने देखा कि कोश के प्रकार का ध्यान रखना होता है कोशकार को, कि किस प्रकार का वो कोश बनाने जा रहा है। फिर दूसरा सिद्धांत उसने ध्यान रखना है अध्येता वर्ग, कि उस कौन पढ़ने वाला है, कौन उसका पाठक है। और तीसरा स्तर का निर्धारण करना है कि किस स्तर के विद्यार्थी या अनुवादक या जो भी अध्येता है वो किस स्तर के रहेंगे और उनके अनुरूप कैसी कोश निर्माण की प्रक्रिया रहेगी। ये तीसरा हमारा सिद्धांत हो गया। उसके पश्चात चौथा सिद्धांत आता है प्रविष्टि संबंधी सिद्धांत, जो मूल प्रक्रिया है जहाँ से कोश का कार्य आरंभ होता है, जहाँ से कोश की प्रविधि उसकी तकनीक प्रारंभ होती है। अब ये जो प्रविष्टि संबंधी सिद्धांत है उसके भी कई तरीके हो सकते हैं, कई प्रकार हो सकते हैं। जो शब्द, जो मुख्य शब्द हैं जिसको हमने कोश में देना है, उस शब्द को हम किस क्रम में दें, तो उसके लिए एक है आदि वर्णानुक्रमानुसारी कोश। आदि वर्णानुक्रमानुसारी कोश से अभिप्राय है कि प्रथम वर्ण के देखते हुए, जिसको हम अंग्रेजी में अल्फाबेटिकली कह देते हैं। जैसे अंग्रेजी में ए से प्रारंभ होता है, ए से लेकर के ए के बाद बी सी इस तरह से चलता है, परंतु हिंदी में अकार आदि क्रम चलता है। अकार आदि क्रम में भी सबसे पहले अनुस्वार लिया जाता है, उसके पश्चात अनुनासिक आते हैं, अनुनासिक के पश्चात अकार आदि क्रम शुरू हो जाता है, और स्वर सबसे पहले लिए जाते हैं, स्वरों के पश्चात व्यंजनों को दिया जाता है। तो ये कहलाता है आदि वर्णानुक्रमानुसारी कोश। और संस्कृत के कोश, हिंदी के कोश, अंग्रेजी के कोश, अधिकांशता भाषाओं के कोश इसी तरह से आदि वर्णानुक्रमानुसारी ही होते हैं। दूसरे प्रविष्टि संबंधी सिद्धांत है अक्षर संख्यानुसारी कोश। इसका अभिप्राय ऐसे कोशों से है जिसमें शब्दों का संकलन अक्षर की मात्रा या संख्या के क्रम में किया जाता है। चीनी भाषा आक्षरिक व्यवस्था की भाषा है जहाँ अक्षर का सर्वाधिक महत्व रहता है। यही कारण है कि चीनी भाषा में कोश निर्माण अक्षर संख्या अनुसारी किया जाता है। चीनी भाषा से प्रेरित होकर संस्कृत में भी एकाद अक्षर संख्या अनुसारी कोश का निर्माण हुआ है, जिसमें मात्रा के आधार पर शब्दों का संकलन किया जाता है। इसी में अगला जो क्रम है, अगला जो कोश का सिद्धांत है, उसमें आता है अंत्यक वर्णानुक्रमानुसारी कोश। अंत्यक वर्णानुसारी क्रमानुसारी कोश में ये उर्दू एवं संस्कृत के कुछ कोश रहे हैं जिनमें अंतिम वर्ण से संबंधित शब्दों का संकलन करके कोश बनाए गए हैं, किंतु इस प्रकार के कोशों की संख्या नगण्य ही है, अधिकांश कोश इस तरह के नहीं बनाए जाते। चौथा
प्रविष्टि संबंधी सिद्धांत है धातु क्रमानुसारी कोश। संस्कृत के शब्दों का विकास हम देखते हैं मित्रों कि वो धातुओं से ही हुआ है। एक एक धातु से अनेक शब्द बने हैं। यही कारण है कि संस्कृत भाषा में धातुओं का विशेष स्थान रहा है। संस्कृत में इस प्रकार धातु कोश बनाए गए हैं। इन कोशों से हर धातु से बनने वाले शब्द और उसके अर्थ उस धातु के ही दायरे में रखे जाते हैं। तो संस्कृत के कोश धातु क्रमानुसारी कोश बनते रहे। इसी क्रम सिद्धांतों की परंपरा में क्रिया में पांचवा प्रकार है विषय क्रमानुसारी कोश। विषय क्रमानुसारी कोश ये एक विशिष्ट प्रकार के कोश हैं जिसमें वर्ण क्रम के स्थान पर विषय का ध्यान रखा जाता है। ऐसे कोशों में शब्दों का संकलन विषय के अनुसार किया जाता है और उसकी जानकारी उस विषय के अनुरूप दी जाती है। एनसाइक्लोपीडिया अथवा विश्वकोश इसी प्रकार के कोश हैं जिनमें विषय को क्रम में रखा जाता है। ऐसे विशिष्ट कोशों के लिए अलग अलग सिद्धांत बनाने की आवश्यकता होती है और उनमें विषय क्रम के अनुसार ही क्रमबद्धता निर्धारित की जाती है। तो कोशकार को ये निर्धारित करना होता है कि वे इनमें से कौन सी विधि अपनाएगा। उसके अनुसार ही वे कोश के सिद्धांत बनाता है। वे वर्ण क्रम को अनुसारित करेगा, उसका पालन करेगा। वे अक्षर संख्या अनुसार बनाएगा, अंत्यक वर्णानुक्रम को पालन करेगा, या धातु क्रमानुसार कोश बनाएगा, या विषय क्रमानुसारी कोश बनाएगा। तो ये कोशकार कोश निर्माण की प्रक्रिया में जुड़ने से पहले निश्चित कर लेता है, क्योंकि कोश के सिद्धांत जब तक नहीं बनेंगे उसके निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। अब कोश निर्माण की प्रक्रिया में जब प्रविष्टि का क्रम निर्धारित हो जाता है, जब कोशकार ये निर्धारित कर लेता है कि वो किस व्यवस्था का पालन करेगा, वर्ण क्रम का या धातु क्रम का या विषय का, उसके पश्चात अगला सिद्धांत आता है अभिरचना संबंधी सिद्धांत। अभिरचना संबंधी सिद्धांत जिसमें सबसे पहले आता है अर्थ, क्योंकि प्रविष्टि का चयन हो गया, प्रविष्टि निर्धारित कर ली, उसका क्रम निर्धारित कर लिया, तो उसके पश्चात आता है कि उसमें उसका अर्थ। अब अर्थ के संबंध में कोशकार ही निश्चित करता है कि कितने अर्थ देने हैं। एक अर्थ देना है, दो अर्थ देने हैं, पांच अर्थ देने हैं, या सिर्फ एक, जो भी व्यवस्था वो बनाएगा उस व्यवस्था को वे कोश के प्रारंभ से लेकर उसके अंत तक पूरी तरह से उसका वो पालन करता है। यदि एक अर्थ दे रहा है तो वो पूरे में यही क्रम रखेगा। यदि एक से अधिक अर्थ देने हैं तो कितने अर्थ देने हैं ये निश्चित करेगा, और उसमें भी मुख्य अर्थ कौन सा रहेगा, लक्षणिक अर्थ कौन सा रहेगा, प्रयोगार्थ कौन सा रहेगा, विशिष्ट अर्थ कौन सा रहेगा, ये सब निश्चित करना भी कोशकार का कार्य है। क्योंकि ये निश्चित करने के पीछे, ये सिद्धांत बनाने के पीछे उद्देश्य ही यही रहता है कि कोश में एक रूपता बनी रहे, उसमें एक व्यवस्था बनी रहे। इसी तरह से अभिरचना संबंधी सिद्धांत में क्रम पर दूसरे नंबर पर आता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आपने देखा होगा, एक तो बनता है मुहावरा लोकोक्ति कोश, वो तो पूर्णतया मुहावरे और लोकोक्ति से ही संबंधित है। वो मुहावरों को क्रमबद्ध दिया जाता है और उनके अर्थ सामने दे दिए जाते हैं। परंतु एक कोश मुहावरा लोकोक्ति से संबंधित नहीं है, पर वहाँ मुहावरे और लोकोक्ति प्रासंगिक रूप से प्रसंगवश आने हैं, तो वो मुहावरे और लोकोक्ति कितने देने हैं ये निर्धारित करना, देने हैं या नहीं देने हैं ये निर्धारित करना भी कोशकार का कार्य होता है। कोश निर्माण से पूर्व कई कोश में आपने देखा होगा सिर्फ शब्द, मुख्य प्रविष्टि और उसके अर्थ तक सीमित रहता है, और एक कोश है जिसमें शब्द का अर्थ भी है और उस शब्द से जुड़े हुए कोई मुहावरे हैं, कोई लोकोक्तियाँ हैं, तो कोशकार वे भी दे देता है, जिससे शब्दकोश और भी अधिक ज्ञानवर्धक बन जाता है। फिर तीसरा उसमें आता है उदाहरण, कि शब्दकोश बनाते समय जो मुख्य शब्द आया है
अगर वे शब्द प्रचलित नहीं हैं, कुछ कम प्रचलित है या अप्रचलित शब्द हैं, तो उसके समझाने के लिए कोशकार उदाहरण का प्रयोग करता है। अब कोशकार को ये सिद्धांत बनाना है कि वह जो उदाहरण देगा वे कहाँ से देगा। वह उदाहरण किसी पुस्तक में से देगा, किसी साहित्यिक रचना में से देगा, या उसके उदाहरण मौलिक रहेंगे, समाज में प्रचलित उदाहरण रहेंगे। तो ये उदाहरण भी किस प्रकार के रहेंगे ये निर्णय करना भी कोशकार का उद्देश्य होता है। इसी क्रम में उदाहरण के साथ साथ उद्धरण भी आते हैं, उद्धरण कोट्स जिसको बोलते हैं। तो कुछ शब्द, जब शब्दों का संचय किया जाता है, संकलन किया जाता है, तो ऐसे शब्दों को भी प्रविष्टि में लिया जाता है जो साहित्य में प्रयुक्त हुए हैं परंतु आम बोलचाल में उनका प्रचलन नहीं हो गया, या ऐतिहासिक कोश बनाया जा रहा है तो किसी समय वे शब्द प्रचलन में रहे परंतु आज उनका प्रचलन बंद हो गया है। तो ऐसे कोशों का बनाते हुए उद्धरण उन प्राचीन पुस्तकों में से, उन प्राचीन प्रकाशित पुस्तकों में से या मौलिक पुस्तकों में से दिया जाना भी चाहिए। अब वे जो उद्धरण दिए जाएँ उनमें भी एक व्यवस्था रहती है कि उद्धरण दिया जाएगा, उसके साथ साहित्यकार का नाम दिया जाएगा, उसके साथ पुस्तक का नाम दिया जाएगा, उसका कौन सा छंद है ये सब दिया जाएगा, या सिर्फ कवि का नाम दे दिया जाएगा, या सिर्फ पुस्तक का नाम दे दिया जाएगा। तो ये निश्चय करना भी कोशकार का दायित्व होता है। तो कोशकार ये पहले से ही निर्धारित कर लेता है कि उद्धरण देते हुए वे किस प्रणाली को अपनाएगा पूरे कोश में। उद्धरण देगा तो कितने उद्धरण देगा, कहाँ कहाँ से उद्धरण लेगा, ये सब भी पूर्व निर्धारित करना होता है। उसी क्रम में आगे आता है व्याकरणिक कोटि। आपने देखा होगा मित्रों कि कई कोश होते हैं जिनमें व्याकरण संबंधी सूचना भी होती है। आप कोश पढ़ रहे हैं, कोश देख रहे हैं, आप किसी शब्द का अर्थ देखने के लिए गए, परंतु आपने केवल अर्थ ही नहीं जाना, उसमें आपने ये भी जान लिया कि वह शब्द व्याकरण में क्या स्थान रखता है। वह शब्द संज्ञा है, वह शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कि उसका वचन क्या है, उसका लिंग क्या है, वो कारक है तो कौन सा कारक है, क्रिया है तो अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, तो इस प्रकार वो क्रिया विशेषण शब्द है या विशेषण शब्द है। तो इस तरह से जो व्याकरणिक कोटियाँ हैं, व्याकरण के जो विभिन्न रूप हैं, वे सब भी उस शब्द के अर्थ के साथ साथ पाठक को उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस व्याकरणिक कोटि का भी अपना विशेष महत्व हो जाता है। यद्यपि व्याकरणिक कोटि उन कोशों में प्रयोग की जाती है जो बृहद आकार के कोश हैं, जो लघु कोश हैं, जो विद्यार्थी स्तर के को ध्यान में रखते बनाए गए हैं, उनमें इस तरह से व्याकरणिक कोटि कम दी जाती है, परंतु जो अध्येता वर्ग में उच्च वर्ग के हैं, जो उच्च शिक्षित वर्ग के लिए कोश बनाया जा रहा है या जो अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कोश बनाया जा रहा है, तो उसमें व्याकरणिक कोटि भी आती है। और ये कोश बनाते हुए कोशकार को उसका ज्ञान, उसका अनुभव, उसकी बौद्धिक क्षमता, उन सब पर आधारित होता है। क्योंकि कोशकार को अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो व्याकरणिक कोटि वो नहीं देगा। कोशकार को अगर व्याकरण का पूरा ज्ञान है और वह व्याकरणिक कोटि देता है तो कोश का महत्व, उसकी उपादेयता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसी तरह से जब पूरा कोश तैयार हो गया, उसकी प्रविष्टि से लेकर के उसकी पूरी अभिरचना तक हम पहुंच गए, अब अगला स्तर आता है उसका मुद्रण का। क्योंकि बिना मुद्रण के, बिना उसको ऑन, अब कोश के मुद्रण के भी मैंने कहा था कि तीन प्रकार हैं उपयोग के आधार पर। एक मुद्रण कोश है जो मुद्रित अवस्था में, प्रकाशित अवस्था में आता है। एक आजकल कंप्यूटर कोश आ गए हैं और ऑनलाइन कोश भी हैं, आप सीधा ऑनलाइन जाकर के शब्द का अर्थ, उसकी व्युत्पत्ति आदि जान लेते हैं। तो मुद्रण कोश बनाना है, मुद्रण संबंधी सिद्धांत कोशकार को पहले ही निर्धारित करने हैं। अब सबसे पहले उसमें कोशकार को क्या देखना है, पृष्ठ, कितने पृष्ठ रहेंगे कोश, क्योंकि कोश तो 500 पृष्ठ से लेकर के और 1,000, 10,000 कितने पृष्ठों का बनेगा, उसमें कितनी प्रविष्टियाँ रहेंगी। 500 प्रविष्टि से लेकर के लाखों तक प्रविष्टि हो सकती है, और
दूसरा उसकी अभिरचना से संबंधित कोशकार को ये भी निर्धारित करना होता है कि उसमें दो अंग रहेंगे, दो हिस्सों में वो रहेगा, या एक ही हिस्से में रनिंग रूप में रहेगा, तो ये भी कोशकार को निर्धारित करना है। फिर प्रकाशन में जाना है तो फॉन्ट का निर्धारण करना कि शब्दकोश जो बनाया जा रहा है वे किस फॉन्ट में रहेगा। अब आजकल जो कंप्यूटर कोश बन रहे हैं या ऑनलाइन हो रहे हैं, तो हिंदी के कोश बनाते हुए विशेष रूप से ये देखा जाता है कि कोशकार ने जिस कोश में बनाया, जिस फॉन्ट में बनाया, अब वह फॉन्ट कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ क्योंकि कंप्यूटर की भाषा तो कोड की भाषा है, अब ऐसे में कोशकार का जो पूरी निर्माण प्रक्रिया, जो उसकी पूरी व्यवस्था थी, वो व्यर्थ चली जाती है। तो आजकल यूनिकोड चल पड़ा है जो सभी भाषाओं में हो जाता है। तो कोशकार को मुद्रण से संबंधित ये भी ध्यान रखना होता है कि वो किस फॉन्ट में मुद्रित करवाएगा और उसका स्टाइल क्या रहेगा, उसकी शैली क्या रहेगी। शैली से अभिप्राय है कि कौन से शब्द बोल्ड रहेंगे, किन शब्दों को इटैलिक्स रखा जाएगा, किन शब्दों को किस रूप में रखा जाएगा, ये निर्धारित करना भी कोशकार का दायित्व होता है। वो पहले ही सिद्धांत बना लेता है कि मुख्य प्रविष्टि अगर बोल्ड में रहेगी तो उसकी व्याकरणिक कोटि इटैलिक्स में रहेगी, इस तरह से अन्य शब्द अर्थ देने हैं तो अर्थ किस क्रम में दिए जाएंगे, 1, 2, 3, 4, इस तरह से संख्या से संबंधित दिए जाएंगे या अर्ध विराम लगाकर कोमा लगाकर दिए जाएंगे, तो वो उसका क्या स्टाइल रहेगा, ये निर्धारित करना भी कोशकार का दायित्व हो जाता है। इसी तरह से कोश से संबंधित संकेत चिन्ह होते हैं, कोशकार ये निर्धारित करता है कि क्या संकेत चिन्ह रहेंगे और उसके लिए वे संक्षिप्त अक्षर बना लेता है, एक संक्षिप्त अक्षरों की सूची बना लेता है और कोश की भूमिका में वे पूरी सूची दे दी जाती है जिसे एब्रीविएशंस कहा जाता है। जैसे संज्ञा है तो सर्वनाम है तो सर्व लिख करके उसके पीछे बिंदी लगा दी, या क्रिया विशेषण है तो पूरा क्रिया विशेषण ना लिख करके क्री वी लिख देना, विशेषण है तो खाली वी लिख देना, पुल्लिंग है तो खाली पू लिख देना। तो किस तरह के वो संक्षिप्ताक्षर की क्या क्रम रहेगा और किस शब्द के लिए क्या संक्षिप्ताक्षर रहेंगे, ये भी पूरा वो भूमिका में एक सूची बना देता है। ऐसे ही विराम चिन्ह, किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, उनके क्या क्या संकेत रहेंगे, किस विराम चिन्ह के लगाने का क्या अभिप्राय रहेगा, ये भी कोश निर्माण के सिद्धांत की परंपरा से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही संख्यावाची शब्द, कि कोश में संख्यावाची शब्द कौन से प्रयोग किए जाएंगे, रोमन लिपि के प्रयोग किए जाएंगे या प्राचीन लिपि के प्रयोग किए जाएंगे। तो इस प्रकार से कोश निर्माण से पूर्व कोश निर्माण के सिद्धांत बहुत अनिवार्य आवश्यक तत्व है और कोशकार जब इन सिद्धांतों को बना लेता है तो उसके पश्चात उसके निर्माण की प्रक्रिया सरल रूप से चलने लगती है। तो मित्रों, अभी हमने कोश निर्माण के सिद्धांतों पर चर्चा की, आपने इसको सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.
नमस्कार मित्रों, अभी हमने इससे पहले जब व्याख्यान में बात की थी तो हमने बात की थी कोश निर्माण के सिद्धांतों पर, कि कोई भी कोशकार जब कोश निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ता है तो उससे पहले उसके लिए सिद्धांत बनाना अनिवार्य हो जाता है। और जो वे सिद्धांत बनाता है वो सैद्धांतिक रूप है। अब अगले चरण में वे चलता है उसके व्यावहारिक रूप में, व्यावहारिक रूप में शोध निर्माण की प्रक्रिया के रूप में। अब जो सिद्धांत बनाए हैं वह सिद्धांत किस रूप में वे अपने शब्दकोश में प्रयोग कर पाता है वे देखता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो सिद्धांत उसने पहले बनाए हैं बाद में निर्माण प्रक्रिया के दौरान उसे उनमें लगता है कि ये सिद्धांत इस रूप में नहीं चल पाएगा, तो वे उसमें कुछ कुछ परिवर्तन भी कर देता है। तो शोध निर्माण की जो प्रक्रिया है ये एक अत्यंत जटिल, दुरूह और लंबी प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया वर्षों तक चलने वाली है और इसके लिए बौद्धिक क्षमता, प्रशिक्षण एवं सिद्धांतों की आवश्यकता को समझते हुए इसे प्रारंभ में तो केवल परिश्रम का कार्य समझा जाता था कि ये सिर्फ श्रम साध्य है, परंतु वास्तव में शब्दकोश निर्माण कार्य श्रम साध्य तो है ही, उसके साथ उसमें बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता है, कोशकार के ज्ञान और उसके अनुभव पर आधारित है। 16वीं-17वीं शताब्दी में लैटिन में एक कोशकार हुए जे जे स्केलिगर, उन्होंने लैटिन भाषा में एक छंद लिखा था, बड़ा हास्यवर्धक भी है आपके लिए। तो उसमें उसने लिखा था कि अगर किसी को दंड देना है तो उसको कोई और दंड ना दे करके कोश निर्माण कार्य का दंड दिया जाए, क्योंकि अन्य किसी भी दंड के रूप में जो दिया जाएगा उसमें जो पीड़ा उसको सहन करनी पड़ेगी कोश निर्माण की प्रक्रिया में, उससे कहीं अधिक वो दंड सहन कर लेगा। तो इस रूप में उन्होंने कोश निर्माण के कार्य को अत्यधिक दुरूह, श्रम साध्य बनाया। शब्द को इसमें केवल शब्दों और अर्थों का संकलन मात्र ना मानकर शब्द, उसके विभिन्न प्रचलित अर्थ, व्याकरणिक परिवर्तन, विभिन्न उसकी अर्थ छवियाँ, विभिन्न उसके शब्द प्रयोग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आदि अनेक दृष्टियों से शब्दकोश का निर्माण किया जाता है। और इस तरह से शब्दकोश कोशकार के ज्ञान और उसके अनुभव, इन दोनों पर आधारित माना जाता है। जैसा कि पहले ही मैंने कहा कि शब्दकोश निर्माण करना कोई सरल कार्य नहीं है, और इसे सरल कार्य मानना, जो लोग मानते हैं कि तीन कोश, चार कोश, पांच कोश इकट्ठे कर लिए और एक शब्दकोश बना लिया, ये वास्तव में शोध निर्माण की प्रक्रिया का सही आंकलन नहीं है। मौलिक शब्दकोश जब निर्माण किया जाता है तो उस शब्दकोश निर्माण की प्रक्रिया में ज्ञान, प्रशिक्षण, सूझबूझ और कौशल, इन सब का होना अनिवार्य है। और ये प्रक्रिया एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसलिए शब्द निर्माण को, शब्दकोश निर्माण को कोश कला के साथ साथ कोश विज्ञान की संज्ञा दी गई है। उसे कोश विज्ञान कहा जाता है क्योंकि जो तकनीक अपनाई जाती है वे तकनीक पूरी तरह से वैज्ञानिक होती है। कोश निर्माण की प्रक्रिया में आरंभिक योजना, प्रारूप से लेकर कोश प्रकाशित होने तक की लंबी जो ये प्रक्रिया है, ये श्रम, समय और बौद्धिक क्षमता तीनों की मांग करती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो बड़ा प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बनी है उस डिक्शनरी के निर्माण में लगभग 40 वर्षों का समय लगा था। इसी प्रकार जो महत्वपूर्ण कोश हैं उनके निर्माण में इससे भी अधिक समय लग सकता है। और आजकल तो जो कोश बनाने का कार्य है वो संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, जैसे नागरी प्रचारिणी सभा ने कोश बनवाया है, इसी तरह से केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार के अंतर्गत वे भी कोश निर्माण का कार्य कर रहे हैं। तो अब संस्थाएं इस कोश निर्माण का कार्य करवाती हैं जिसमें विभिन्न विद्वानों का सहयोग रहता है, और वे विद्वान परस्पर विचार विमर्श करके शब्दों की ऊपर विचार विमर्श करते हुए, शब्द यात्रा के ऊपर विचार करते हुए कोश का निर्माण करते हैं। और ये एक व्यक्ति की सोच ना होकर के विभिन्न विद्वानों का एक सामूहिक कार्य हो जाता है, और
मैं देखती हूँ कि ये कार्य इस तरह से जब संस्थाएं कराती हैं तो और भी अधिक सार्थक एवं उपयोगी रहता है। कोष निर्माण का कार्य देखा जाए तो एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, एक चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि शब्दों के सटीक अर्थ देना, उनका सहज अर्थ देना, उनके प्रयोग को प्रस्तुत करना कोषकार का दायित्व होता है, जिसे वो इस रूप में शब्द का अर्थ स्पष्ट करे कि पाठक सहज ही समझ ले। हम देखते हैं कि अधिकांशतः जो अप्रचलित शब्द हैं या कठिन शब्द हैं उनका अर्थ देना आसान होता है, परंतु जो सरल शब्द हैं, जो बहुत प्रचलित शब्द हैं, उनका अर्थ देना कोषकार के लिए टेढ़ी खीर बन जाता है, उसके लिए बड़ी चुनौती है। जैसे पिता शब्द ही आ गया तो पिता शब्द का अब कोषकार क्या अर्थ दे, पानी शब्द आ गया तो उसका कोषकार क्या अर्थ दे, तो ऐसे शब्दों को प्रविष्टि में भी दे और उनका अर्थ कैसे स्पष्ट करे, तो सरल शब्दों का कैसे अर्थ स्पष्ट करे, सटीक अर्थ दे, ये कोषकार के सामने एक चुनौती होती है। तो कोष निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम विभिन्न चरणों में देख सकते हैं। जैसे सिद्धांत हमने विभिन्न चरणों में देखे, उसी प्रकार से कोष निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी विभिन्न चरणों में विभाजित है। उसमें सबसे पहली प्रक्रिया है, सबसे पहला चरण कहलाएगा सामग्री संकलन। सामग्री संकलन, क्योंकि कोष निर्माण करना है तो सबसे पहले देखा जाता है कि सामग्री का संकलन किया जाए। अब ये सामग्री कहाँ से लेगा, ये सामग्री कई रूपों में प्राप्त हो सकती है, लिखित या मौखिक सामग्री। लिखित जैसे पुरानी प्राचीन पुस्तकें हैं वहाँ से सामग्री लेगा, टेक्स्ट बुक्स में से सामग्री लेगा, या मौखिक सामग्री लेगा। इसी तरह से जो वे सामग्री ले रहा है वे रचनाएं प्रकाशित है या अप्रकाशित रचनाएं हैं। यदि प्रकाशित रचनाएं हैं तो कोषकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि वे रचनाएं उन प्रकाशित से ले जो जिनके संस्करण प्रामाणिक हों और जहां वर्तनीगत अशुद्धियां न हों। इसी तरह से जो अप्रकाशित सामग्री भी ले रहा है तो उसकी भी प्रामाणिकता की जांच पहले कर ले। इसी तरह से सामग्री संकलन साहित्यिक और गैर साहित्यिक दोनों हो सकती हैं। सामग्री का संकलन वे समकालीन पुस्तकों से भी ले सकता है और प्राचीन पुस्तकें, दीर्घकालीन जो पुस्तकें हैं उनसे भी सामग्री का संकलन किया जा सकता है। ऐसे ही विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से सामग्री का संकलन किया जा सकता है। नए नए तकनीकी विकास हो रहे हैं तो तकनीकी से जुड़े हुए या गैर तकनीकी प्रशासनिक आदि शब्दों को भी, शब्दों का भी संकलन किया जा सकता है। इस प्रकार कोषकार जो है वो सामग्री का संकलन करता है, और सामग्री का जब संकलन करता है और विशेष रूप से जब ये मौखिक सामग्री का संकलन करता है तो संकलन करते समय कोषकार को वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, वातावरण, व्यापार, रहन सहन आदि का ध्यान में रखते हुए सूचकों से प्रश्न पूछ करके सामग्री का संकलन करना चाहिए, और इस तरह से उस विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार कोष निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण है सामग्री का संकलन। इसी प्रक्रिया में दूसरा चरण है शब्दानुक्रमणी बनाना। जब शब्दों का संकलन हो गया, लिखित और वाचिक भाषा से सामग्री संकलन करने के पश्चात उसकी शब्दानुक्रमणी बनाना दूसरा चरण कहलाता है। इसमें किसी पुस्तक से, किसी साहित्यकार से लेकर, किसी काल विशेष के शब्द, किसी धारा, जैसे साहित्य की विभिन्न धाराएं हैं तो किसी धारा विशेष के शब्दों में, साहित्य में प्रयुक्त शब्दों को लेकर के फिर उन शब्दों को वर्ण क्रमानुसार, वर्णों के अनुसार क्रमबद्ध बनाना, उनकी एक सूची तैयार करना, ये दूसरा चरण कहलाता है। अब शब्दों की जो अनुक्रमणी बनाई जाती है उस अनुक्रमणी को बनाने के लिए भी सिद्धांत हैं, उसके भी कुछ नियम हैं। पहले से क्या किया जाता था, शब्दों की जब अनुक्रमणी बनाई जाती थी तो कार्ड का प्रयोग किया जाता था। मोटे कागज़ के कार्ड लिए जाते थे और उन कागज़ों पर मुख्य प्रविष्टि, उससे जुड़ा हुआ उपसर्ग, प्रत्यय, परसर्ग,
उसकी व्याकरणिक कोटि और कहाँ से वो शब्द लिया गया है, उससे जुड़ा हुआ क्या उदाहरण है, पूरे एक कार्ड पर बना दिया जाता था। फिर उस कार्ड को इस तरह से क्रम से लगाया जाता था कि अगर कोई शब्द की आवृत्ति हुई है तो वो आवृत्ति वाले शब्द इकट्ठे हो जाते थे, और शब्द की पुनरावृत्ति ना हो तो कार्ड से उसकी एक व्यवस्था बन जाती थी। तो बड़ा श्रम का कार्य था, पूरा कार्ड से बनाया जाता था। परंतु आज जिस तरह से तकनीकी विकास हो गया है, कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध हो गई है, तो आज ये शब्दानुक्रमणिक बनाने का कार्य कंप्यूटर की सहायता से किया जाने लगा है। अब कंप्यूटर से ही उसको वर्ण क्रमानुसार उसकी एक सूची तैयार कर दी जाती है। तो आज देखा जाए तो कोशकार का शब्दानुक्रमणी बनाने में जो इतना श्रम लगता था, इतना समय लगता था, उस श्रम की भी और समय की भी आज बचत हो गई है। आज उसका समय अब इससे आगे अन्य विषय पर सोचने में लग जाता है। तो शब्दानुक्रमणी बनाना शब्द निर्माण प्रक्रिया में दूसरा चरण था। अब आगे की ओर बढ़े, जब शब्दों की अनुक्रमणी बन जाती है तो तीसरा चरण आता है, प्रविष्टि की संरचना। प्रविष्टि वे शब्द जिसको शब्दकोश में मुख्य स्थान दिया जाता है, वे शब्द प्रविष्टि कहलाता है। तो अब प्रविष्टि की संरचना कैसी हो, कौन से शब्दों को मुख्य शब्द के पेटे में रखा जाए, तो उसमें सामान्य मूल शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक शब्द जैसे पाठशाला है, विद्यालय है, हिमालय आदि, सामान्य अर्थ वाले शब्द जैसे भाई बहन, विशिष्ट अर्थ वाले शब्द जैसे दशानन, पीताम्बर, नीलगाय, जलज आदि, विशिष्ट अर्थ के वाचक पदबंध जैसे आबोहवा, समान अर्थ वाले द्विरुक्तियों वाले शब्द जैसे मारपीट, भागदौड़, उछल कूद, ये द्विरुक्तियाँ हैं, शब्द जो है रिपीट हो रहे हैं, मारना और पीटना, भागना और दौड़ना, ये द्विरुक्ति शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही विरोधी द्विरुक्तियों वाले शब्द, जो द्विरुक्तियाँ तो हैं परंतु परस्पर विरोधी हैं, पहले कौन से शब्दों का एक संकलन किया गया जो समानार्थक हैं पर द्विरुक्तियाँ हैं, अब उन शब्दों का संकलन किया जाता है जो द्विरुक्तियाँ हैं पर परस्पर विरोधी हैं, जैसे हानि लाभ, हर्ष शोक, जय पराजय आदि, ये परस्पर विरोधी द्विरुक्तियाँ कहलाती हैं। इसी तरह से अनेक भाषाओं में प्रचलित कूट मिश्रण से ग्रहित शब्द, अनेक भाषाओं में प्रचलित, जैसे अब आज हिंदी में ही कितने ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से ले लिए गए हैं और वे आज हिंदी का ही अंग बन गए हैं। आज हम अगर उसका स्रोत ढूंढने लगे तो पता भी नहीं होगा, साधारण जनता तो जानती भी नहीं कि ये शब्द जो हम रोज प्रयोग में ला रहे हैं, दिनचर्या में जो का अंग बन गए हैं, वे शब्द हमारे हिंदी के ना होकर के किसी दूसरी भाषा से आए हुए हैं, जैसे रेडियो शब्द, बटन शब्द, रेलगाड़ी शब्द, कोट शब्द, और आज तो ये स्थिति हो गई है कि हिंदी में हमें इनके लिए कोई दूसरा शब्द तक प्रयोग में नहीं मिलता है। कोट के लिए हम दूसरा शब्द का प्रयोग नहीं कर पाते, रेलगाड़ी के लिए हिंदी में कोई दूसरा शब्द बना भी है तो वह प्रचलन में नहीं आया जितना रेलगाड़ी शब्द प्रसिद्ध हो गया। ऐसे ही बटन का समानार्थक कोई दूसरा शब्द आज तक नहीं बन पाया रेडियो के लिए। तो ये सारे कूट मिश्रण से जो शब्द आए हैं उन शब्दों को इसमें ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से कौन से शब्दों को प्रविष्टि में दिया जाए, तो पहले जब प्रारंभ में कोश बनाए जाते थे तो उसमें मुक्त रूपिम को ही रखा जाता था, परंतु आजकल मुक्त रूपिम के साथ साथ शब्द, मुहावरे आदि भाषिक इकाइयों को भी कोश में प्रविष्टि का स्थान दिया जाता है, और आगे चल करके इनमें बद रूपिम भी रखे जाने लगे हैं। तो इस प्रकार से जो तीसरा चरण है वे है प्रविष्टि की संरचना, कि किन शब्दों की प्रविष्टि, किन शब्दों को प्रविष्टि में स्थान दिया जाएगा। शब्दों का संकलन करने के बाद, शब्दानुक्रमणी बनाने के बाद, जब उनकी प्रविष्टि का निर्धारण हो गया, जब उनको क्रमबद्ध कर लिया गया, तो अब अगला चौथा चरण आता है, प्रविष्टि का संपादन। प्रविष्टि को कैसे संपादित किया जाए, अब एक मुख्य प्रविष्टि होती है, एक गौण प्रविष्टि होती है।
जैसे आपको उदाहरण से ये मैं बात समझाऊं, जैसे तिल शब्द है, तिलकुट शब्द है, तिल का ताड़ बनाना, तिलों में तेल ना होना। अब ये चार शब्द हमारे सामने आए हैं, तो इन में से किस शब्द को मूल प्रविष्टि में रखा जाए, किस शब्द को गौण प्रविष्टि में रखा जाए, ये निर्धारित करना। तो जैसे तिल शब्द है, इसको मुख्य प्रविष्टि में स्थान दे दिया जाता है, और तिल से बने हुए और जो शब्द हैं वो डैश डाल करके, तिल से बना हुआ तिलकुट शब्द है तो तिल मुख्य प्रविष्टि में रहेगा, तिलकुट को उसको गौण प्रविष्टि में स्थान दे दिया जाएगा। इसी तरह से तिल से बने हुए जो मुहावरे हैं, तिलों में तेल ना होना, तिल का ताड़ बनाना, तो इनको मुहावरों को मुहा लिख करके उसमें स्थान दे दिया जाता है और प्रयोग किया जाता है। तो क्या मूल प्रविष्टि रहेगी और कौन सी गौण प्रविष्टि रहेगी, ये निर्धारित करना कोश निर्माण प्रक्रिया का एक मुख्य चरण माना जाता है। इसी तरह से जो अनेकार्थी शब्द है, जहाँ किसी शब्द के अनेक अर्थ हैं, तो कोशकार को ये निर्धारित करना होता है कि वे अनेकार्थी शब्द की प्रविष्टि एक ही दे और उसके आगे अलग अर्थ देता जाए, और अर्थ में भी कौन सा अर्थ पहले रहेगा, मुख्य अर्थ को वो पहले स्थान देगा, अन्य अर्थों को वो बाद में स्थान देगा। जैसे जल शब्द, तो जल शब्द का पानी अर्थ प्रचलित अर्थ है, तो पहला मुख्य अर्थ भी पानी है, तो वो इस अर्थ को पहले देगा। इसके अतिरिक्त इज्जत, कांति आदि अर्थ हैं, तो इन अर्थों को वो उसके पश्चात स्थान देगा। तो इसी तरह से जो अनेकार्थी शब्द हैं, उनकी प्रविष्टि तो एक रहेगी, उनके अर्थ अलग अलग। अब ये जो अर्थ देना है, इनको कोशकार का अपना सोच है, उसकी मर्जी है कि वो इन अर्थों को 1, 2, 3 क्रम में दे, सिर्फ विराम चिन्ह लगा करके, कोमा लगा करके, या अर्ध विराम चिन्ह लगा करके देता जाए, ये कोशकार का अपना एक मत होता है, उसके अपनी सोच है। जो वह निर्णय लेता है, जो वे सुनिश्चित करता है, उसके अनुरूप वे कोश निर्माण में बना सकता है। इसी तरह से जो समरूप शब्द है, एक ही शब्द है पर उन समरूप है, अलग अलग भाषाओं में वे शब्द का प्रयोग किया जाता है, उनकी व्याकरणिक कोटि भिन्न है, उनके अर्थ भिन्न है, तो उनको अलग अलग मुख्य प्रविष्टि में स्थान दिया जाना चाहिए। जैसे दाग शब्द है, दाग शब्द आप देखिए स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, दाग शब्द संस्कृत में आता है, तो वहाँ उसका अर्थ है दग्ध, दाह, संस्कार। दग्ध संस्कृत का शब्द है और उसका अर्थ है दाह, संस्कार। इसी तरह से एक दाग शब्द है जो फारसी का शब्द है और उसका अर्थ है धब्बा, निशान, चिन्ह आदि। अब दाग की दो प्रविष्टियाँ कोशकार देगा, दाग के पश्चात एक नंबर लिख देगा, दाग के पश्चात दो नंबर लिख देगा। ऐसे ही अगर कोई तीसरा बन रहा है तो वो 3, 4, 5 इस तरह से आगे चलाता चला जाएगा। तो जो समरूप शब्द हैं उनकी प्रविष्टि अलग अलग ही दी जानी चाहिए। अनेकार्थी जो शब्द हैं उनमें एक प्रविष्टि देकर उसके जितने भी अर्थ बन रहे हैं वे अर्थ उसी प्रविष्टि में देते चले जाएगा। तो ये कोशकार निर्माण प्रक्रिया करते हुए ये ध्यान रख लेता है या पहले नियम बना लेता है कि वो किस तरह से उन शब्दों के अर्थ देगा। इसी प्रविष्टि संपादन के अंतर्गत ही जो महत्वपूर्ण उसका चरण है वो कहलाता है क्रम निर्धारण, कि मुख्य प्रविष्टि में जो शब्द दे रहा है उनका क्रम निर्धारण कैसे करें। अंग्रेजी में उतनी समस्या नहीं आती है, वहाँ ए से लेकर जेड तक के शब्द हैं वो उसी क्रम से देते रहते हैं, परंतु हिंदी में अध्येता को भी समस्या आती है और कोशकार को भी समस्या आती है कि वो किस क्रम को दे, आकार आदि क्रम को दे या कोश क्रम को लागू करे। कोश क्रम जो है वो वर्णानुक्रम नहीं होता, आकार आदि क्रम नहीं होता, इसमें सबसे पहले अनुस्वार को लिया जाता है, अ के ऊपर बिंदी लगा देना वो अनुस्वार कहलाएगा, इसके पश्चात अनुनासिक लिया जाता है, अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देना, तो अ के ऊपर बिंदी अनुस्वार लगाकर जो शब्द दिए जाएंगे वो सबसे पहले कोश में आते हैं, उसी के आगे फिर अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर जो शब्द हैं वो उसके बाद आते हैं, उसके पश्चात आकार आदि क्रम चलता है, अ से जुड़े हुए फिर दीर्घ आ से जुड़े हुए जो शब्द हैं वो उसी क्रम में चलते हैं।
तो अ ई उ ये स्वर आदि स्वर व्यवस्था जो है ये सबसे पहले आती है। अब दूसरा आता है कि री का स्थान। अब री ऋतु में भी री का प्रयोग होता है और री व्यंजन में र लिख के और उसमें छोटी की मात्रा लगा करके भी री होता है, परंतु जो ऋतु वाला री है उसको स्वरों में स्थान देते हुए अ ई उ के पश्चात री की प्रविष्टि दी जानी चाहिए। री का स्थान यहाँ पर रखना चाहिए, उसको व्यंजनों में र को छोटी की मात्रा वाले में नहीं देना है। ऋतु देना होगा तो वर्षा ऋतु के लिए, जैसे हम ऋतु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह ऋतु शब्द ऊ के प्रविष्टि के पश्चात री की जहाँ प्रविष्टि शुरू होगी वहाँ दिया जाएगा। इसी तरह से एक और जो समस्या आती है वे संयुक्त वर्णों के स्थान से संबंधित है। संयुक्त वर्ण जैसे श्र, ज्ञ, क्ष, त्र, अब इन वर्णों को कहाँ स्थान दिया जाए, तो इन वर्णों में जो आदि वर्ण है उसके उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे श्र है तो श्र श और र से बना है, तो श का जहाँ स्थान है, श की प्रविष्टि जहाँ दी हुई है, वे जहाँ समाप्त होगी वहीं श्र की व्युत्पत्ति श्र की प्रविष्टि आरंभ हो जाएगी। इसी तरह से त्र शब्द है तो त्र शब्द जो है वो कहाँ दिया जाएगा, त की प्रविष्टि जहाँ समाप्त हो जाती है, त की प्रविष्टि समाप्त होते ही त्र की शब्द वहीं दे दिया जाएगा। इसी तरह से जो ज्ञ शब्द है उसका उच्चारण ज्ञ भी होता है और ज्ञ भी होता है, तो उसके में आदि शब्द ज है तो ज की प्रविष्टि जहाँ समाप्त हो रही है ज्ञ शब्द या ज्ञ शब्द वहाँ दिया जाना चाहिए। तो श्र त्र ज्ञ इन शब्दों का जो संयुक्त वर्ण है उनका स्थान भी निर्धारित करके कोशकार को उनकी प्रविष्टि यथास्थान दी जानी देनी होगी। अब उस इसी में प्रविष्टि संपादन में ही क्रम निर्धारण के बाद आता है भाषा का स्रोत, कि वे शब्द किस भाषा से लिया गया है। वे शब्द उसके दो तरीके हैं, एक है कि वो उसकी मूल भाषा क्या है, वो संस्कृत से आया है, वे फारसी से आया है, पाली प्राकृत से आया है, अपभ्रंश का शब्द है, या वे किसी विदेशी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, तो उसका भाषा का स्रोत क्या है उसको ब्रैकेट में दे दिया जाता है। ब्रैकेट में संस्कृत का है तो खाली स लिख कर के बिंदी लगा दी जाती है, फारसी का है तो फा लिख के बिंदी लगा दी जाती है, अंग्रेजी का है तो अंग लिख करके बिंदी लगा दी जाती है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा है कि वे शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए वे शब्द की भाषा का स्रोत देता है। तत्सम लिखना है तो खाली तत् लिख देगा, तद्भव लिखना है तो खाली तद लिख देगा, देशज लिखना है तो खाली देश लिखेगा, ऐसे ही विदेशी के लिए वी शब्द का प्रयोग करेगा। ऐसे ही वर्तनी, वे मानक वर्तनी का प्रयोग अधिक करें। अब कई शब्द हैं जो दो रूप में प्रचलित हैं, जैसे कौवा अ भी है और कौवा व भी है, तो कौवा कौवा, सुआ सुवा, तो कौन दोनों ही शब्दों को प्रविष्टि में दे, उसमें प्रचलित शब्द जो मूल रूप से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है उसको पहले दे करके उसके बाद डैश लगा करके दूसरा कौवा डैश कौवा लिख सकता है, सुवा सुवा डैश सुवा लिख सकता है। इसी तरह से जो अंग्रेजी से शब्द आए हैं और हिंदी में उसके अनुकूलित दूसरे शब्द बना दिए गए हैं, जैसे अकादमी शब्द है अकेडमी शब्द है, टेक्निक शब्द है तकनीक शब्द है, पतलून शब्द है पैंट शब्द है, तो इस तरह के जो शब्द हैं वे अनुकूलित शब्द भी और जो गृहीत शब्द है दोनों शब्दों को ही कोश में प्रविष्टि में स्थान दिया जाना चाहिए। ऐसे ही उच्चारण, शब्द भाषा स्रोत देने के बाद उसके उच्चारण को ध्यान दिया जाता है। उसके पश्चात व्याकरण का अंग, कि व्याकरण में संक्षेपण का प्रयोग किया जाता है, कि अगर वो संज्ञा शब्द है तो संज्ञा में पुल्लिंग है तो खाली पू लिख दिया, स्त्रीलिंग है तो खाली स्त्री लिख दिया। इसी तरह से क्रिया शब्द है, अगर सकर्मक क्रिया है तो पूरा सकर्मक क्रिया ना लिख करके सक्रिय लिख दिया, अकर्मक क्रिया है तो सिर्फ अक्रिय लिख दिया, विशेषण है तो सिर्फ वी लिख दिया। ऐसे ही पूरी उसकी व्याकरणिक कोटि को संक्षिप्ताक्षरों में लिखा जाता है, क्योंकि शब्द कोश में समय और स्थान दोनों का स्थान महत्वपूर्ण होता है। स्थान जितना
शब्दकोश में बचेगा उतनी ही प्रविष्टि अधिक हो सकती है। तो संक्षिप्ताक्षरों का, संकेताक्षरों का प्रयोग शब्दकोश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके पश्चात उसकी व्युत्पत्ति दी जाती है, शब्द का स्रोत का क्या है, उसकी पूरी विकास यात्रा, किस तरह से शब्द कहाँ से बनकर प्रारंभ होकर के कहाँ चलता आ रहा है, वो पूरी विकास यात्रा देते हैं। तो ये प्रारंभिक चरण दे करके उसके पश्चात पांचवा चरण आता है, अर्थ निर्धारण एवं व्याख्या। शब्दों के अर्थों का निर्धारण किया जाता है, शब्द के अर्थ देने हैं। अब अर्थ निर्धारण के भी 8 साधन माने गए हैं, व्यवहार के आधार पर, कोश के आधार पर, व्याकरण की दृष्टि से, प्रकरण, व्याख्या, पर्याय, परिचय, विवेचन। तो अर्थ का निर्धारण इनमें से किसी भी आधार पर, या इनमें से 2 आधार, 3 आधार, 4 आधार कुछ ले लिए जाते हैं। तो इस प्रकार मुख्य अर्थ पहले देते हुए फिर उसके लाक्षणिक अर्थ या उसके प्रयोग अर्थ, उसके उदाहरण आदि दे करके अर्थ निर्धारण किया जाता है। और पारिभाषिक कोश बना रहे हैं, विश्वकोश बना रहे हैं, तो वहाँ शब्द की व्याख्या अधिक पर बल अधिक रहता है, उसके विवरण पर अधिक बल रहता है, जबकि शब्दकोश में केवल शब्द के अर्थ पर बल रहता है। तो जब विश्वकोश में बनाया जाता है तो चित्र, आरेख, इन सब का भी निर्धारण करना होता है। उसके पश्चात अगली प्रक्रिया मुद्रण की प्रक्रिया चलती है, अगला चरण चलता है मुद्रण का। मुद्रण में विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि कैसे शब्द चलेगा, किस तरह से शब्द की प्रक्रिया चलेगी, और क्या फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। जो शब्द जो हमने देखा था कोश निर्माण के सिद्धांतों में, जो सिद्धांत बनाए गए थे मुद्रण के सिद्धांत, उन सभी सिद्धांतों को वो इस निर्माण की प्रक्रिया में प्रयोग में लाता है, ताकि कोश निर्माण का कार्य एक व्यवस्थित रूप से चल सके, क्रमबद्ध चल सके, उसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक एक रूपता बनी रहे। इसलिए मुद्रण का भी चरण बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है, और मुद्रण में एक रूपता प्रारंभ से अंत तक अनिवार्य अंग है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने कोश निर्माण की प्रक्रिया को जाना, किस तरह से वो विभिन्न चरणों से होती हुई हमारे पास, हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। और कोशकार का जितना श्रम लगता है, जितनी मेहनत लगती है, वो जिस रूप में, जिस निर्माण प्रक्रिया को अपनाता है, उसकी चर्चा भी भूमिका में कर देता है। और जो कोश देखने वाला है, अध्येता है, वो उस भूमिका को पढ़ करके, उस भूमिका के माध्यम से कोश को देखने की प्रविधि, उसकी तकनीक को जान सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। समय की कमी के चलते हम अपने परिचर्चा यहीं रोकनी होगी, और हम डॉक्टर विनीता कुमारी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। हमें आशा है मित्रों कि हमारे इस परिचर्चा से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। इसी बात पर हम आगे दीजिए मित्रों धन्यवाद।